चैनल इट्स मी सोफिया। तो आज मैं आपके साथ जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूंगी वो है मेरे पास ड्रामाकोस के प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि आप मेरे पास देख भी सकते हैं, मेरे पास है ड्रामाकोस का हेक्सकोनल क्लींजर, ड्रामाकोस का गावा ग्लो स्क्रब एंड ड्रामाकोस का हाइड्रोक्सी क्ले। तो मैं सेपरेटली एक एक के बारे में आपको बताऊंगी, डिटेल्स इनकी शेयर करूंगी एक एक करके आपके साथ, प्राइसेस बताऊंगी, यूजेस बताऊंगी, साइड इफेक्ट्स बताऊंगी एंड ऑल दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप बाय करना चाहें तो इनकी आपको किट मिलेगी, कंप्लीट किट होगी, उसमें ड्रामाकोस के सारे प्रोडक्ट्स होंगे और अलग अलग से दिए होंगे। के जैसे कि ड्रामाकोस का वाइटनिंग आपको फेशियल किट मिलेगा एक, और उसके अलावा आपको मैनीक्योर किट मिलेगा, पेडिक्योर किट मिलेगा। ये सेपरेट सेपरेट किट होते हैं और उनमें सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मेरे पास है वाइटनिंग किट के कुछ प्रोडक्ट्स। उसके अलावा आपको पता होगा पाकिस्तान में ड्रामाकोस का जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा इन है, के पॉलर्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट किया जाता है, के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं अगर आप फेशियल करवाते हैं ड्रामाकोस का। लेकिन अगर आप इसे घर पे बाय कर लेते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस में आपको मिल जाता है और आपका जो फेशियल है वो बहुत ही रिजनेबल पड़ता है। तो अगर आप सेपरेट बाय करते हैं तो एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो होगी 460, 500 और इस पे देनी हुई प्राइस तो 320 भी, 280 से स्टार्ट होती है प्राइसेस। 280 का आपको कोई मिलेगा स्किन शाइनर या फिर आपको 320 का कोई स्क्रब मिल सकता है, और उसके अलावा क्लिंजर लेना चाहे तो वो 460 का मिल सकता है। इसी तरह आपको डिफरेंट प्राइजेस में मिलेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब के प्राइजेस होंगी। तो आप इजिली बाय कर सकते हैं किसी भी लोकल शॉप, लोकल मार्केट, ब्रांड, किसी भी जगह से आपको ड्रामाकोस का फेशियल किट मिल जाएगा, आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि आपने इसे कैसे बाय करना है। उसके अलावा द्रास पे भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके भी इसे बाय कर सकते हैं। तो मेरे पास है ड्रामाकोस का हेक्सोनल क्लींजर, कावा ग्लो स्क्रब एंड हाइड्रोक्सी क्ले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लींजर की। तो जो इसकी पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है जो इसके वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वाइटनिंग फेशियल किट है, उसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट इसी तरह के होते हैं, इसी पैकेजिंग में आते हैं। इस तरह कोई जार और कंटेनर आप इसे कह सकते हैं, तो ये इस तरह के कंटेनर में होते हैं और बहुत ही अच्छी इनकी पैकेजिंग है और इनमें प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये कंप्लीट फुल होते हैं यहाँ तक। तो अगर आप एक ये क्लींजर बाय करते हैं तो आपका 6 मंथ कहीं नहीं है, के 6 मंथ आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनमें। तो इसमें ये मेरे पास है डर्मा प्योर हेक्सोगोनल क्लींजर। तो इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और रीजनरेटिंग, आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, उसके अलावा पीलिंग, सॉफ्टिंग और एंटी बैक्टीरियल। तो इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं ये क्लींजर। तो बहुत अच्छी इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, के बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को हार्मफुल नहीं करते। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ये सूटेबल है इन ऑल स्किन कंडीशंस, सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन यूज कंटिन्यूसली। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ये रिकमेंडेशंस और उसके अलावा ये सूटेबल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किस तरह का है, इसमें वाइटिंग प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से अंदर से क्लीन करता है, आपकी जो रफ स्किन होती है, डेड स्किन होती है, उसे रिमूव करता है और आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बना देता है और अच्छा सा ग्लो लाता है और अच्छा क्लींजर है। आपके ब्लैक हेड्स को भी ये साथ साथ रिमूव करता है और उसके अलावा अगर आप इसे फेस पे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचती है, के आपकी स्किन को ये हार्मफुल नहीं करता, आपकी स्किन पे किसी किस्म का इशू नहीं होता। तो बेस्ट क्लींजर है इन अफोर्डेबल प्राइजेस और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो 100% रिकमेंडेड है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं बताती चलूँ ड्रामाकोस एक पाकिस्तानी ब्रांड है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके गावा ग्लो स्क्रब की। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख सकती हैं, ये भी आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट करता है, वाइट करता है, वेंटिलाइजिंग इसमें है एजेंट्स और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स।
तो जो भी इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ये आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाती, आपकी स्किन को वाइट बनाती है, ग्लोइंग बनाती है और नेट एंड क्लीन करती हैं। तो ये भी स्क्रब बेस्ट है। और ये इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो आप जोर से स्क्रब मत करें, आप बहुत ही जेंटली और सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से स्क्रब करें ताकि आपकी स्किन पे रेडनेस ना हो, इचिंग ना हो आपको और आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। तो ये आपके ब्लैक हेड को रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो देन आपकी स्किन वाइट होगी, अदरवाइज अगर आप इसे यूज़ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, के 15 डेज बाद यूज़ कर रहे हैं आप, मंथ बाद यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपकी स्किन को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट और नीट एंड क्लीन नहीं होगी। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस स्क्रब को वीक में एक बार ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी स्किन क्लीन रहेगी, साथ साथ आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं होंगे और आपकी स्किन रफ नहीं होगी और सॉफ्ट रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी। तो आप इसे यूज़ करते रहें और बेस्ट है इन अफोर्डेबल प्राइसेस। ये 460 प्राइस बिल्कुल मैं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जार बहुत बड़ा है, काफ़ी ही बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए इसके प्राइस बेस्ट है। और उसके अलावा बहुत ही अच्छा स्क्रब है, आपने इसे किस तरह यूज़ करना है मैं आपको बता दूँ। आपने इसकी उतनी क्वांटिटी लेनी है जितनी आपके फेस पे रिक्वायर्ड हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। उसके बाद आपने हल्का हल्का वाटर लेके आपने स्क्रब करता रहना है और 15 मिनट तक आपने स्क्रब करना है, उसके बाद आपने रिमूव कर देना है उसी वाटर के साथ। दैट्स इट, इसके यूज़ करने का इतना ही तरीका है। इसी तरह आपने क्लिंजर को यूज़ करना है, आपने 15 मिनट तक स्क्रब करना है, जेंटली मसाज करना है, तो उसके बाद आपने रिमूव कर देना है। वाटर के साथ भी आप कर सकते हैं, रोज़ वाटर के साथ भी कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी क्ले की। तो इसका जो मेन पर्पज होता है, ये आपकी स्किन को वाइट करता है, उसके अलावा आपके पोर्स को श्रिंक करता है, ओपन पोर्स को, और उसके अलावा आपकी स्किन को टाइट करता है। तो ये भी बहुत अच्छा इनका ये क्ले है। ये जो प्रोडक्ट है मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा, बस ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक है। आपकी स्किन को ये किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाता, आपकी स्किन को ये फ्रेड नहीं करता और आपकी स्किन को सॉफ्ट जरूर करता है। इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वाइट नहीं होती, आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस ठीक है ये प्राइस के हिसाब से, और ये काफ़ी बड़ा इसका भी चार है। ये इस पे कुछ दे में ये हाइड्रेटिंग, ऑब्जर्वेशन, लिफ्टिंग और ये प्योरीफाइंग, तो ये इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी स्किन को ये सॉफ्ट करती हैं, टाइट करती हैं और आपकी स्किन पे एक नेचुरल सा लुक देती हैं। तो इसे मैंने बाय किया था चेजी वैल्यू सेंटर से 300 का। तो मैंने आपको बताया था ना कि इतनी ही इसकी प्राइसेस हैं, 320-380, तो इसी तरह ये आपको मिलेगा, इन्हीं रेंजेस में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको अंदर से भी खोल के चेक करवा देती हूँ। तो जो इनके फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसमें ये स्पून दिए होते हैं जिससे आपने प्रोडक्ट को लेना होता है और अपने पूरे फेस पे लगाना होता है बस। तो अच्छे हैं इन अफोर्डेबल प्राइसेस। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आप पॉलर से इसका फेशियल करवाते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो यही आपको वो 1000-2000 इस तरह का करके देते हैं। किसी आप ऐसे ही पॉलर पे भी चले जाते हैं तो वो भी इतने ही चार्ज करते हैं। तो आप एक बार अगर बाय करते हैं तो आप इसे 1 ईयर आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने ये बॉटल्स कितनी बड़ी बड़ी ये कंटेनर है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप खुद बाय करें और घर पे फेशियल करें अपनी मर्जी से, दैट्स इट। तो उसके अलावा अगर आप डर्माकोस के और भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने डर्माकोस के और भी बहुत से प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है। जैसा कि नाइट क्रीम हो गई इनकी, नाइट और डे क्रीम, और उसके अलावा स्किन शाइनर, तो आप उनका भी रिव्यू देख सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं देखें। तो मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल सोफिया ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें।